नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल देवरक्षपति और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव टाइम्स टीवी की ये खास रिपोर्ट। हिमाचल में उपचुनावों का मौसम चल रहा है। पच्छाद और धर्मशाला की सीटों के लोगों के टिकट्स भी आवंटित किए जा चुके हैं। कुछ दिग्गज नेता आजाद ही अपनी ताल ठोक चुके हैं। इनमें से कोई दो आपके वोटों से विधानसभा पहुंचेंगे। वोट जरूर कीजिएगा और सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि यही लोग हिमाचल के भविष्य का, हिमाचल वासियों के भविष्य का, आपके भविष्य का ताना बाना बुनने में अहम भूमिका निभाएंगे। बात भविष्य की हो तो बचपन की सिखाई अपने बड़े बुजुर्गों की एक बात याद आती है। हर कक्षा में वो कहते थे कि बेटा, ये कक्षा जरूरी है, इसके बाद तो बस मजे ही मजे हैं। हर साल ये क्रम जारी रहता और शायद कभी खत्म होगा। थोड़े बड़े हुए और समझ आया कि बुजुर्गों की उस बात का मतलब क्या है। वो बस शिक्षा को महत्व पर जोर डालते थे। बात साफ थी, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना भविष्य में काम आएगा, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी नौकरियों का दायरा भी बढ़ता जाएगा। यही सोचा होगा उन हजारों अभ्यर्थियों ने जिन्होंने 12वीं जमात के बाद डिप्लोमा करने के बजाय डिग्री करने की सोची। सोचा होगा कि डिग्री करने से उनके लिए नौकरियों का दायरा और नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। उनके माता पिता ने भी उनके सुखद भविष्य की कामना करते हुए यही सोचकर अपने लाखों रुपए का निवेश किया होगा। इस सब परिदृश्य को अपने ध्यान में रखें और फिर ये समझने की कोशिश करें कि आपको कैसा लगेगा यदि आपको इसलिए एक परीक्षा से निकाल दिया जाता है क्योंकि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं। क्या बीतेगी आपके माता पिता पर जिन्होंने आपको पढ़ाने के लिए, आपके सुखद भविष्य के लिए अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन पानी की तरह बहाया। ऐसा ही कुछ हुआ है जेई सिविल के अभ्यर्थियों के साथ, जिन्होंने परीक्षा भरी लेकिन अंत तक उन्हें यह नहीं बताया गया कि वो ओवर क्वालिफाइड है। हुआ ये कि सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने अगस्त 2018 में नोटिफिकेशन जारी की। जेई सिविल के 125 रिक्त पड़े पदों को भरना था। 18,064 लोगों ने फॉर्म भरे और 15,785 लोगों के फॉर्म चुने गए। 10,697 लोगों ने नवंबर 2018 में परीक्षा दी और 385 लोगों को इवेल्युएशन प्रोसेस, मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए बुलाया गया। इस समय तक जितने भी बीटेक के अभ्यर्थी थे उन्हें यह नहीं बताया गया कि वो इस परीक्षा के योग्य ही नहीं है। दे आर नॉट इवन एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। उन्हें इस बात का पता तब चला जब 28 सितंबर 2019 को इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया, नतीजा घोषित किया गया। अब अधर में लटके हुए उनके भविष्य की कोई सुध नहीं ले रहा है। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि हम एक तरफा बात कर रहे हैं। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट तो पॉलिटेक वालों के लिए ही होती है, डिप्लोमा वालों के लिए ही होती है। पर यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई और नोटिफिकेशन में इस तरह की कोई बात नहीं लिखी गई। आपको एक और बात बता दें कि कुछ समय पहले ही कमीशन ने 2018 सितंबर में हुए एक और इसी तरह की परीक्षा से दो जई अभी अभी नियुक्त किए हैं। दोनों ही बीटेक हैं। यहां पर सवाल यह उठता है, इस तरह का पक्षपात कमीशन की ओर से क्यों? बात इन बच्चों के भविष्य की है, बात इन डिग्री होल्डर्स के भविष्य की है। आप बोल सकते हैं कि डिग्री वाला तो ए की सीधी परीक्षा दे सकता है, सीधा असिस्टेंट इंजीनियर बन सकता है, लेकिन आखिरी बार ए की परीक्षा 2017 में हुई थी और वो भी केवल 10 पदों के लिए। अब जब मौके कम मिलेंगे तो इंडिया पढ़ तो लेगा लेकिन बढ़ेगा कैसे? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने जजमेंट में कहा है कि यह पूरी तरह से उस बोर्ड पर निर्भर करता है जो नियुक्तियां कर रहा हो, कि वो क्या एलिजिबिलिटी डिसाइड करता है, कि वो क्या कम से कम न्यूनतम मान्यता योग्यता डिसाइड करता है। तो खैर, जो भी बात हो, लेकिन साफ बात दिखाई देती है कि अब बहुत से अभ्यर्थियों का भविष्य यहां पर अधर में फंसा हुआ है और अभी तक इसका संज्ञान कोई नहीं ले रहा। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो अपने हक के लिए लड़ेंगे और उन्हें इंसाफ मिलेगा, ऐसे उन्हें पूरी आशा है। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन डिग्री होल्डर्स को इनका हक मिल सके। अंत में, लाइफ टाइम्स टीवी आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी आवाज है। यदि आपके पास भी ऐसा कोई मुद्दा है तो आप लाइफ टाइम्स टीवी को मैसेज के जरिए बता सकते हैं। मिलेंगे फिर अगले किसी स्पेशल एपिसोड में। मेरा नाम है मुकुल देवरक्षपति, देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।
लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।